नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर से हमारी नेक्स्ट वर्कशीट आ चुकी है और ये वाली वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट। वर्कशीट नंबर होगा हमारा 120। फिर से ये हमारी यूनिट द लिटिल फर ट्री के ऊपर है जो कि हमारी मैरीगोल्ड बुक में है। चलिए इसको पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर डे बाय सेइंग नाइस थिंग्स अबाउट आवर सेल्व्स। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड रिपीट देम लाउडली। यानी कि आज का जो दिन है हमारा, हम इसको शुरू करेंगे अपने बारे में कुछ अच्छी चीज़ें, नाइस मतलब अच्छा, थिंग्स अच्छी चीज़ें अपने बारे में हम बोलेंगे। तो चलिए जो अच्छी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं इनको बार बार पढ़ना है, रिपीट करना है। आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटिफुल। स्मार्ट ब्यूटिफुल, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यानी कि मैं स्मार्ट हूँ, अपने आप के बारे में सोचो बोलते हुए। आई एम ब्यूटिफुल, मैं सुंदर हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और मुझे खुद पे गर्व है। यानी कि मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं जैसा भी हूँ या पसंद करती हूँ जैसे भी हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। आपको जैसे ही ये तीनों सेंटेंस आप पढ़ेंगे खुद के लिए, डिड रिपीटिंग दीज लाइन्स ब्रिंग ए स्माइल टू योर फेस। क्या आपके फेस पर स्माइल आई ये तीनों सेंटेंस बोलते हुए? यस आई होगी तो यस लिखेंगे, अगर आई है तो। आई एम श्योर इट डिड, बिल्कुल ये जरूर होगा कि आपके फेस पे स्माइल आई होगी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यानी कि अभी के बाद से, ऑनवर्ड्स का मतलब इसके बाद से। एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, जब भी आप सुबह उठेंगे, डू टेल दीज थ्री थिंग्स टू योर सेल्फ। अब आज की तरह ही हम हर सुबह जब भी उठेंगे ये तीन चीज़ हम खुद से बोलेंगे तो हमें फिर से अच्छा लगेगा। यानी कि हर दिन हम खुद को अच्छा फील कराएंगे। वी नीड टू लव आवर सेल्व्स, हमें खुद को पसंद करना है, खुद को प्यार करना है खुद से। खुद को परेशान नहीं रखना कि मैं ऐसा क्यों हूँ, बल्कि खुश रखना है कि मैं ऐसा हूँ। एंड आवर बॉडी टू, यानी कि खुद को और अपने शरीर से प्यार रखना है। ये नहीं सोचना, अनहैप्पी नहीं हो जाना है लिटिल फर ट्री की तरह, जैसे लिटिल फर ट्री अनहैप्पी हो गया था, जैसे लिटिल फर ट्री अनहैप्पी हो गया था विद इट्स लीव्स इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। अब स्टोरी के शुरुआत में इसकी लीव्स कैसी थी? निडल लाइक थी ना। निडल लाइक लीव्स के कारण इसको लगा कि यहाँ तो बर्ड्स नेस्ट नहीं बना पाएंगे, अब वो अनहैप्पी हो गया। जब मजीशी ने उसको ग्रांट की, यानी कि उसको दिया कि तुम चार विश मांग सकते हो, तो ट्री ने यूज कर ली अपनी जो विशेज थी। पहले उसने जो विश मांगी वो भी उसकी पूरी तो हो गई, लेकिन उसका उसको बेनिफिट नहीं मिला। उसको देखा कि ये तो खराब है इस चीज के लिए। दूसरी विश भी ऐसे ही, तीसरी विश भी ऐसे ही। उसने जो चौथी विश थी, फाइनल विश थी, उसने वही विश मांगे कि मुझे पहले जैसा ही कर दो, मैं पहले ही अच्छा था जैसा भी था। तो लिटिल फर ट्री ने रियलाइज किया कि उसकी इम्पोर्टेंस है। किसकी इम्पोर्टेंस है, यानी कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ जरूरी है अपने आप में। जो भी जैसा भी वो था, निडल लाइक लीव्स भी उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। तो हालांकि उसको लग रहा था कि अच्छा नहीं है, लेकिन अपने आप में तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। तो अब हमें भी इस बारे में सोचना है, खुद के बारे में, कि आप में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं और ये अच्छी बातें आप अपने आप से रोज कहेंगे। यू टू आर स्पेशल, तो आप भी स्पेशल हैं। जैसे कि लिटिल फर ट्री स्पेशल था, ऐसे ही हर एक स्पेशल है। थिंक एंड राइट डाउन थिंग्स दैट मेक यू स्पेशल इन द गिवन बबल्स। अब आपको वो सारी चीजें इन बबल्स में लिखनी है, यानी कि ये जो बबल्स बने हुए हैं इनमें आपको लिखनी है जो चीजें आपको स्पेशल बनाती हैं। जैसे थ्री थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट माई सेल्फ आर, अब यहाँ पे आपको तीन चीजें लिखनी है जो आपको अपने बारे में पसंद है। अब हर एक का जवाब यहाँ पे अलग होगा, तो आपको जो जो चीजें अपने बारे में पसंद है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि हो सकता है किसी को अपनी आवाज पसंद है तो आप वॉइस लिखेंगे यहाँ पे। हो सकता है किसी को अपना हाइट पसंद है तो हाइट लिख सकते हैं, या हो सकता है किसी को कोई और भी चीज पसंद हो सकती है। अपनी बातें,
या फिर अपनी फ्रेंडशिप, या जैसा भी आपको लगे आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं कि आप क्या काम अपना पसंद करते हैं। कोई डांसिंग पसंद करता है, कोई ये पसंद करता है कि हाँ हम अच्छा खेल सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, या जैसा भी आपको पसंद हो खुद के बारे में, तीन चीज़ें आप यहाँ पे लिखिए। अगले बबल में देखते हैं, माई फैमिली टीचर प्रेजिज मी फॉर, आपकी फैमिली मेंबर्स या फिर आपके जो टीचर्स हैं वो आपको किस बात के लिए प्रेज करते हैं, आपकी किस बात पे प्रशंसा होती है, आपके लिए कौन सी अच्छी बातें बोली जाती हैं कि ये आप अच्छा करते हो, तो वो आप चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। एक लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, आप जितनी मर्जी चाहें उतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट बबल देखते हैं, थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी आर, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें लिखनी है जितने भी आप चाहें जिनसे आप खुश होते हैं। अब ये चीज़ आपको देखनी है, आप किन किन चीज़ों से खुश होते हैं, क्या काम करके आप खुश होते हैं, किन के साथ रह के या किन से बात करके खुश होते हैं, क्या चीज़ आपके पास हो तब आपको खुशी मिलती है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ वो सारी चीज़ें लिखनी है। थ्री थिंग्स आई एम गुड एट, अब इसके अलावा आपको तीन चीज़ें लिखनी है जो आपको खुद के ऊपर लग रहा है कि हाँ ये इन तीन चीज़ों में तो मैं बहुत अच्छा करता हूँ या करती हूँ। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।